चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 4.1 का पहला का पांचों लोग तो है, देखना है कि कौन विकास है, कौन विकास नहीं है, ठीक है। तो चलिए गुणा करने की क्या है आप लोग, लेकिन हमारा ई जो एक्स तैयार नहीं था। अब बढ़ते हैं टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन से गुणा करेंगे एक्स माइनस थ्री। कह रहा है कि बारिश का मौसम है। अब यहाँ पे क्या एक्स से गुणा करेंगे बन जाएंगे एक्स माइनस वन और फिर यहाँ पे प्लस फाइव से गुणा करेंगे एक्स माइनस वन। बरसात का मौसम रेस्ट हो गया है ए बुझा जा रहा है तो मुझे बजना होगा पढ़ लेगा तो। चलो अब यहाँ पे टू एक्स में गुणा करते हैं एक्स से कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तीन को तीन प्लस माइनस एक्स में एक्स से माइनस माइनस तीन में एक्स से एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और एक्स में वन से प्लस प्लस पांच में एक्स से प्लस माइनस पांच में एक्स से पांच। अब चलिए यहाँ पे है टू एक्स स्क्वायर और सौ माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स कितना जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स एक्स किया कितना होगा प्लस फोर एक्स और यहाँ पे कितना माइनस पांच है ना और फिर यहाँ पे प्लस और बाकी सब पका दीजिए खींच दीजिए हमें तो हो जाएगा यहाँ पे कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना देगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और इधर एक्स वाला है इस तरह कितना होगा माइनस फोर एक्स और प्लस थ्री तो प्लस थ्री इधर प्लस माइनस में कितना होगा प्लस पांच बराबर जीरो ठीक है। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा कितना होगा तो हो जाएगा कितना जी एक्स स्क्वायर सनी मुझे और लिख दिया एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर के कितना जाएगा माइनस इलेवन और ग्यारह होगा चलिए पांच तीन आठ और कितना जीरो यानी हमारा क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस यदि फाइव में मिला है बुझ लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस आठ बराबर जीरो। तो इस प्रकार जो है यह किस रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं कहलाएगा कहलाएगा यह द्विघात समीकरण के रूप में ठीक है ना। थैंक यू।